बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडियाँ आलू। तो टिंडियाँ जो है ना, वो टिंडों की बहनें होती हैं। ये गोल मटोल सी नरम मुलायम बड़ी अच्छी और प्यारी सी वेजिटेबल है और खाने में भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो रमज़ान में ना, ये चटपटी चीज़ें खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि ये वेजिटेबल जो है ना, ये खाई जाए। तो फिर आज मैंने ये बनाने का प्लान किया। तो मैं तो इसमें आलू भी डालती हूँ। इसकी कटिंग जो है वो इतनी बारीक नहीं करते, थोड़ी मोटी रखते हैं। तो इसका मसाला भी वैसे ही जैसे बाकी वेजिटेबल के लिए बनाते हैं, लहसुन अदरक प्याज और टमाटर सब्ज़ मिर्ची। तो फिर इसको मसाले में डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैं भून लेती हूँ। तो उसके बाद ना, इसमें थोड़ा पानी ऐड करना होता है ताकि ना ये अंदर तक गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको इतना नहीं गलाना कि ये हलवा बन जाए। ये 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं बहुत अच्छी तरह से। और फिर जब इनको भून लेना है 2-3 मिनट के लिए, उसके ऊपर मैं लिड दे देती हूँ और फिर 10-15 मिनट ना बाद ये तैयार हो जाएगी। और फिर इसका पानी टोटल नहीं खुश करना, ड्राई नहीं करना होता, बस थोड़ा सा इसका रखना होता है, मतलब मसाला जो है ना इसका, वो थोड़ा जो है वो खुश्क नहीं करना, थोड़ा ढीला ही रखना। तो इसमें फिर ये बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी बनाइए और इसी तरीके से बना के आलू डाल के जो आप भी बनाएं, तो यकीनन ये आपके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये देखें, ये बनने के बाद कितनी अच्छी इसकी आई है ना फॉर्म। और यहाँ पे देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को ना मौका मिल जाता है जब मैं किचन में होती हूँ, तो ये मेरा दूसरा सेल पकड़ते हैं और वहाँ से वीडियोस और गेम्स देखना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली जो मोहम्मद मुईद है ना, उसको बहुत ज़्यादा ना ये मोबाइल का चस्का बड़ा हुआ है। वो जब भी मौका देखता है ना कि मुझे मोबाइल जो है ना वो बड़ा हुआ है, तो मैं उसको फ़ौरन यूज़ करना शुरू कर देता है। तो मैं ये कहती हूँ कि चलो अपनी ना पढ़ाई करके और होमवर्क करके, तो उसके बाद फिर 1 घंटा देख भी लो ना, तो कोई मसला नहीं है। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।